सुबह बच्चों सभी को तो मैंने लास्ट सेशन में आपको फोर्थ लेसन समझाया। फोर्थ लेसन के बाद में वर्किंग एक्टिविटीज भी आप अपने नोटबुक में देख के कंप्लीट कीजिए। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अंकों का तारा है। जग में सबसे न्यारा देश क्या है? भारत देश है। भारत देश कितना है? भारत देश हमारे लिए कैसा है? प्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि धर्म के लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। न्यारा शब्द का अर्थ क्या है? अनोखा। न्यारा मतलब क्या है? अनोखा। अत्यंत किस पद से लिया गया है? अपना प्यारा भारत इस पद से लिया गया है। आप अपने वर्कबुक में देख के आपको लिखना है। अपने वर्कबुक में जो आपको समझ में नहीं आए तो राइट साइड के आंसर है आप देख के आराम से लिख सकते हैं। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश है। शिखर कैसे है? ऊंचे है। नदियाँ कैसे है? चंचल है। सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला क्या है? भारत देश है। फसल शब्द का अर्थ क्या है? उपजाऊ। उपज उपजाऊ मतलब क्राप। मध्यम स्पर्श से लिया गया है, अपना प्यारा भारत देश से लिया गया है। इसके कण कण में संदेश हिंसा पावन हरियाणा का स्वर्गीय अपना प्यारा भारत देश। कंकर में क्या है? संदेश है। यह देश कैसा है? पावन पवित्र देश है। धरती का स्वर्ग क्या है? भारत है। पावन शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र है। यह पद्म किस पर से लिया गया है? अपना प्यारा भारत देश से लिया गया है। अपठित पद्म को अपठित पद्म संसिंह में आपको कोई भी आएगा वो भी देख के भी आपको पढ़ के लिखने के लिए आपको तैयार रहना है। एक पैटर्न आपको हायर क्लास तक यही रहेगा। सिंह बोल में नाम सिंह तो सिंह पैराग्राफ का नाम सिंह कर पढ़ के पद्यम सा पढ़ पढ़ के पद्यम क्या पढ़ लेंगे ऐसा है तो देख के पढ़ के लिखने के लिए ट्राई करना है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करें तो आएगा। हमने लिखे दो पद्यम पढ़कर नीचे लिए गए पुस्तकों के यही पढ़ के लिखे चम 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 चंदा चमके तारे चमके झिझिम आओ आओ खेले फिर में आज चांदनी में हम सब ठंडी ठंडी हवा बह रही लोरी से कुछ गाते हैं। चमचम कौन चमकता है? चंदा है। तारे कैसे चमकते हैं? जी जी जी। और हम सब फिर हिम मिलाकर क्या करें खेले कैसी हवा बह रही है ठंडी ठंडी हवा हम सब वो कहाँ खेले हैं चांदनी में आओ पेड़ लगाए हम धरती हरी बनाए हम पेड़ रहे जीवन साथी हम रहे उनसे संतरे सोते हैं गंदी हवा में पर देते हैं शुद्ध हवा में हम क्या लगाएंगे पेड़ लगाएंगे इसे हम हरी बनाएंगे धरती को हरी बनाएंगे पेड़ उनके जीवन साथी रहेंगे हमारे जीवन साथी रहेंगे हम किनके संतरे रहेंगे पेड़ों के पेड़ हमें कैसी हवा देते हैं शुद्ध हवा देते हैं खूब बड़ी है नदी दूध से दूध बड़ा है झरना अच्छा लगता है आप सभी को दूर दूर तक फिरना देखो धीमी धीमी जूही ओके फूलों के ये आंखें जूही चमेली चमकी जैसी जैसे बढ़िया की सौ आंखें नदी किससे खूब बड़ी है दूध से नदी किससे बड़ी है दूध से और दूध से क्या बड़ा है झरना है दूर दूर तक हो फिरना किसको अच्छा लगता है फिरना सबको अच्छा लगता है फूलों के पंखों कैसी जुमी है पंखों धीरे धीरे जुमी है जूही चमेली कैसी चमकी है बगिया की सौ आंखें जैसी वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना सीखो हवा के झोंकों से हिलना और निकला दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र बीज गहना वर्षा की बूंद से क्या सीखना है प्रेम बढ़ाना सबकी सभी पर अपना रंग चढ़ाना किससे सीखना है मेहंदी हवा के झोंकों से क्या सीखना है हिलाना और हिलाना और दूध और पानी से क्या सीखना है मिलना और मिलाना और चरित्र निज गढ़ना किससे सीखना है सत्पुरुषों के जीवन से सीखना है रेकॉग्निशन
संख्या जितने 11 देश है। देश माने तो क्या है, राष्ट्र। भारत 11 देश है, 11 मतलब क्या है, ट्री। आंखों मतलब क्या है, शब्द नयन। पावर मतलब क्या है, अधित्य। फसलों मतलब क्या है, पैदावार उपजाऊ। नीचे देखिए शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग, चंचल ऊंचे प्यारा न्यारा फसला अपने और उनके पीछे देखते लिख सकते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्दों को कोष्टक में इंटू मार्क लगाए। भारत करेक्ट हो, सिकर करेक्ट हो, नदी राम इंटू मार्क, हमारा करेक्ट हो, हिंदू राम इंटू मार्क, सिख करेक्ट होंगे, प्यारा राम ऊंचे करेक्ट होंगे, फसल करेक्ट होंगे, सिख करेक्ट होंगे, मुस्लिम करेक्ट होंगे, ईसाई भी करेक्ट होंगे। अंकों में लिखिए, अक्षरों में दिया गया तो अंकों 35 माने तो क्या है, 35। 12.5 माने तो 12/2। 79 माने तो 79। 99 माने तो 99। भाषा की बात, मैं झंडों को फहराता है, वह काम कर रहा है। इसके बाद राम पुस्तक पढ़ता है, गोपाल नाटक देख रहा है, विमला कहानी सुनती है। लेकिन सब वर्तनी की शुद्ध करके पूरा वाक्य लिखिए। जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश, ऊंचे शिखरों वाला देश, फसलों वाला प्यारा देश, हरी धरती का स्वर्ग है। ये पूरा आप अपने उसमें टेक्स्ट बुक में देख के भी लिख सकते हैं। लेकिन शब्द को लिख बदल कर लिखिए, वह एक राजा है, वह एक रानी है। नव युवकों को उल्लास भर जाता है, नव युवतियों में उल्लास भर जाती है। वह एक घोड़ा है, वह एक बूढ़ी है। देव हमें वर देता है, देवी हमें वर देती है। लड़का स्कूल जा रहा है, लड़की स्कूल जा रही है। लेकिन सब लोगों को वचन बदल कर लिखिए, गर्मी गर्मियाँ, ऋतु ऋतियाँ, और सर्दी सर्दियाँ, युवक युवक, शोभा शोभाए, ऐसा वचन बदल कर लिखना है। ये पार्ट भी आप अपने पीछे आंसर देख के लिख सकते हैं। हल्का होमवर्क क्या है आपका, हल्का होमवर्क आप अपने वर्कबुक देख के पैराग्राफ्स, फर्स्ट वन टू पैराग्राफ्स, 1, 2, 3 पैराग्राफ्स फ्रॉम पेज नंबर 61 फोर्थ लेसन होमवर्क टू पेज नंबर 61 वर्कबुक पेज नंबर 61 1, 2, 3
जेड में सबसे न्यारा देश है। क्या करना, पूरा आपको लिस्ट पूरा आप अपने वर्कबुक में कंप्लीट करना है,